हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज मैं आपके लिए ये वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। जालीदार डिज़ाइन है, इसे बेबी सेट्स पे डाला जा सकता है, लेडीज़ कार्डिगन्स पे डाला जा सकता है, शॉर्ट्स पे डाला जा सकता है। देखिए, इसकी दोनों साइड जो है बहुत अच्छी बनती है। ये इस तरह से, ये जो है इसके लिए आप इवन नंबर में जितने फंदे लेने हो उतने ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 30 फंदे लिए हुए हैं सैंपल के लिए। और ये जो डिज़ाइन है वो 4 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। तो जैसा मैंने यहाँ पे नीचे से स्टार्ट किया हुआ है डिज़ाइन बनाना, वैसे ही मैं आपको यहाँ बताऊँगी। ये डिज़ाइन जो है बैक साइड से स्टार्ट होगा। तो बॉर्डर बनाने के बाद जो आपकी सबसे पहले बैक साइड आएगी, उस पर सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले फंदे को स्लिप करने के बाद नेक्स्ट फंदा सीधा बनाना, फिर उल्टा सीधा उल्टा सीधा। फर्स्ट रो बहुत ही इजी है, एक सीधा और एक उल्टा बनाते हुए आप इस फर्स्ट रो को कंप्लीट करना है। इस डिजाइन को फ्रॉक्स में भी डाला जा सकता है, कैप्स में डाला जा सकता है, श्रग्स भी बनेंगे इसके, पोंछू में डाला जा सकता है। तो फर्स्ट रो जो है वो हम इस तरह से पूरी कंप्लीट करेंगे। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट होती है यहाँ पे लास्ट में सीधा फंदा। और अब देखिए सेकंड रो पे आते हैं। सेकंड रो पे पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, धागे को हम दूसरी साइड ले जाएंगे। अब क्या करना, देखिए सीधा और उल्टा फंदा इस तरह से घुमा के हमने दो फंदों का एक फंदा करते जाना है। सीधे और उल्टे को घुमाएंगे और दोनों को साथ में निट कर देंगे इस तरह। यहाँ पे हमारे फंदे जो हैं वो आधे हो जाएंगे सिलाई पे। ये इस तरह से दो फंदों का एक फंदा करते जाएंगे, पहले सीधा फंदा फिर उल्टा फंदा, दोनों को घुमा के एक बनाएंगे। दो फंदों का एक फंदा करते जाएंगे, पहले सीधा फंदा आना चाहिए फिर उल्टा फंदा आना चाहिए, फिर दोनों को साथ में बना देना है इस तरह से। तो इस तरह से जो है हम रो टू अपनी फ्रंट साइड जो है वो तैयार करेंगे। इस तरह ये लास्ट वाला पेयर आ जाएगा और ये लास्ट फंदा हम सीधा निट कर देंगे जैसे हम निट करते हैं। देखिए, अब देखिए थर्ड रो बैक साइड। पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे हम, धागे को जो है पीछे करेंगे। अब देखिए पहला जो हमने ये फंदा है वो सीधा बनाना है, फिर उसके बाद जाली डालनी है। अब हम यहाँ पे अपने फंदों को बैलेंस कर लेंगे जो हमारी पिछली सिलाई में घट गए थे। सीधा बनाना जाली, सीधा बनाना जाली, सीधा बनाना जाली। इस तरह से हम पूरी सिलाई को जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी थर्ड रो होगी बैक साइड, सीधा बनाएंगे जाली, सीधा बनाएंगे फंदा, जाली डालेंगे, सीधा और जाली
फंदा सीधा और जाली, लास्ट वाला फंदा भी हम सीधा बना लेंगे इस तरह। ये देखिए बैक साइड भी हमारी बहुत सुंदर बनती है इस डिज़ाइन से, रिवर्सिबल डिज़ाइन हम इसे कह सकते हैं। अब देखिए लास्ट रो पर आते हैं डिज़ाइन की फ्रंट साइड पे, पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। अब देखिए अब हमने धागे को पीछे कर लेना है, ये जो जाली वाला फंदा पीछे वाली सिलाई में पड़ा था उसे हमने सीधा बनाना है, और फिर उसके बाद धागे को आगे करने के बाद हमारा जो ये उल्टा फंदा बना था पिछली सिलाई में उसे हमने स्लिप करना है इस तरह से, और धागे को पीछे करते जाना है। एक फंदा हमने सीधा बनाते जाना है और एक फंदे को धागे को आगे करके स्लिप करते जाना है। जाली वाले फंदे को सीधा बनाएंगे और उल्टे फंदे को हमने स्लिप करते जाना है इस तरह से। सीधा उल्टे को स्लिप करेंगे, सीधा उल्टे फंदे को स्लिप करेंगे, सीधा फंदा बनाएंगे, उल्टे फंदे को स्लिप करेंगे, इस तरह से हम अपनी डिज़ाइन की लास्ट फोर्थ रो को कंप्लीट कर लेंगे। और ये लास्ट वाला फंदा हम सीधा निट कर देंगे। ये देखिए ये हमारी जो है फोर्थ रो पड़ चुकी है। ये हमारी चार रोज जो हैं इन्हीं चार रोज को हम बार 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 रिपीट करके इस तरह से अपना डिज़ाइन जो है वो बनाएंगे। ये देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन बनता जाता है।